सो डेवलपर्स, अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे HTML एंड CSS वाले प्रोजेक्ट के अंदर कार्ट्स कैसे बना सकते हैं। अब कार्ट का मतलब क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम लोग कोई भी ई कॉमर्स साइट से प्रोडक्ट को बाय करते हैं ना, तो लिस्टिंग के अंदर ऐसा कुछ कार्ट आता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट एक इमेज आती है, उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिटेल देखने के लिए और ऐड टू कार्ट करने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। डिटेल में यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारे पास इतने सारे कार्ट्स की लिस्ट आ रखी है, जैसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, नीचे इन्होंने जस्ट ट्रायल वाले प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, तो ये कार्ट होते हैं। अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमने कैटेगरीज वगैरह और यहाँ पे ऑफर बैनर्स वगैरह बना लिए हैं। अब हम लोग ये कार्ट बनाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही तीन चार छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले कार्ट का सिलेक्शन का एरिया बनाएंगे, इमेज और HTML को ऐड करेंगे, बाद में वहाँ पे CSS अप्लाई करेंगे और लास्ट में एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HTML के साथ में, और यहाँ पे बाकी सारी फाइल्स को बंद कर देता हूँ मैं अभी के लिए, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। और मैंने ना अभी एक इमेज भी ऐड करके रखी है एक प्रोडक्ट की, ताकि मैं जब एक कार्ट बनाऊँ तो उसके ऊपर एक इमेज भी ऐड कर पाऊँ। सो वही जो बेसिकली हम लोग करते हैं कि जब भी हम लोग एक नया काम स्टार्ट करते हैं, फिर एक न्यू रोल स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, जो लास्ट वाला प्रोडक्ट था, उसका डिव कहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि लास्ट वाली कैटेगरी का। तो यहाँ हमारा सिलेक्शन खत्म हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और डिव बनाता हूँ। डिव बनाने के बाद में आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे हर एक रो के अंदर चार प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पे हर एक आइटम की विथ 25% रहनी चाहिए, राइट। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, क्लास रैपर, और इसके साथ में एक अंदर इसकी क्लास लगाएंगे हम लोग डिव, और यहाँ पे हम लोग ऐड करने वाले हैं विथ 25%। सो इसके लिए विथ 25 हमने कॉमन क्लास बना रखी है, आपको पता होगा, ठीक है। और जब भी हम लोग एक न्यू रैपर बनाते हैं, उसके लिए हमें एक नेक्स्ट रो भी चाहिए होती है, वो भी लगा देते हैं, और इसको अरेंज भी करना होता है हमें लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक और डिव लेते हैं और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कार्ट, और यहाँ पे आप चाहो तो कार्ट या फिर कार्ट रैपर, जो भी आपको नाम इसका रखना हो वो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे कार्ट रख लेता हूँ, छोटा नाम रहता है वो ठीक रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप रख सकते हो, ठीक है कार्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, ओके। और उसके बाद में देखो, जैसे ही हम अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। देखो, एक इमेज होनी चाहिए, कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, और बाद में हमारे पास कुछ बटन ऑप्शंस होने चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, अगर मुझे इसके अंदर, इसको मैं फॉर्मेट भी कर लेता हूँ, यहाँ पे गलती से आ गई, और अगर मुझे इसके अंदर एक इमेज भी चाहिए तो मैं इमेज ऐड करूंगा, क्लास इसके ऊपर बाद में ऐड कर लूंगा अगर मुझे लगेगा कि क्लास चाहिए, बट डिव के लिए अभी के लिए मुझे क्लास चाहिए नहीं। और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाली जो इमेज है उसको भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक और डिव लेंगे, और इस डिव के अंदर आप चाहो तो लिख सकते हो कार्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस भी लिख सकते हो, बट प्रोडक्ट प्राइस शायद कहीं और यूज ना हो जाए, हम कार्ट के अंदर हैं तो हम लोग इसके लिए कार्ट प्राइस लिख सकते हैं, ठीक है। और कार्ट प्राइस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास अभी के लिए क्या है, एक उसकी छोटी सी हेडिंग है, उस प्रोडक्ट का नाम है और बाद में उसका प्राइस है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे H6 लेता हूँ यहाँ पे, और ठीक है H6, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। ये है क्या, ये बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये वाली साइट बनाएंगे, तो वहीं वहीं के कार्ड्स हैं ये, यहीं से आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कॉपी कर करके हम लोग साइट बना रहे हैं पूरी की पूरी, जो मैंने फर्स्ट टाइम में आपको दिखाई थी कि यही वाली हम लोग साइट बनाने वाले, आप देख भी सकते हो, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइट बना भी रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। सो ताकि मैं टेक्स्ट वगैरह यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, नथिंग एल्स, ओके। सो हमने यहाँ पे जो नाम था वो भी हमने कॉपी कर लिया, एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसका प्राइस भी कॉपी कर लेंगे। सो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना मैं कार्ट डिटेल्स लिख देता हूँ, और प्राइस मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बिकॉज यहाँ पे भी हमें एक डिव चाहिए ना, यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ट प्राइस, ठीक है। और प्राइस के अंदर आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी H6 ले सकते हो, और इसके अंदर ना हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
डॉलर जो भी हमारा प्राइस है, लेट्स से कि यहाँ पे दिया हुआ है 126 डॉलर, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ 123 डॉलर था, राइट, नॉट सिक्स, 123.00, और क्या था लास्ट में, दैट्स इट। और ये हमारे पास एक्चुअली एक नहीं दो प्राइस थे, एक इन्होंने काट के रखा हुआ है, एक के लिए रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए क्लास भी दे देता हूँ, क्लास करंट प्राइस, और ये हमारी एक और क्लास हो जाएगी, इसके मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट प्राइस। तो लास्ट और करंट लिख देता हूँ, उससे हमारा हमें समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ऑलराइट, तो उसके बाद में जैसे हमारा डिटेल वाला पार्ट खत्म होता है, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे फूटर आ जाता है, इसको हम लोग फूटर कह सकते हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और डिव लेता हूँ, और इसका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ क्लास कार्ट फूटर। और कार्ट फूटर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो बटन है, या तो दो बटन ले लो या फिर एंकर टैग ले लो, ये एंकर टैग है। सो मैं यहाँ पे एंकर टैग ही ले लेता हूँ, नोट हमें ए टैग नहीं चाहिए और डिव नहीं चाहिए, मैं ए टैग चाहिए। इसके लिए यहाँ पे हैश लगा दूंगा, और यहाँ पे हमें चाहिए क्या, व्यू डिटेल्स, और सेकंड वन था ऐड टू कार्ट। अच्छा, और मुझे यहाँ पे ना एक वो भी चाहिए, आइकन भी चाहिए। सो आइकन हमने पहले भी ऐड करे हुए हैं, मैं यहाँ पे आइकन सर्च करता हूँ, उसको हम लोग थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए अगेन। और आइकन इससे पहले आना चाहिए, अच्छा आइकन इससे पहले क्या आना चाहिए, आइकन हम यहाँ पे लगा देते हैं एक्चुअली, यहाँ पे हमारा आइकन आ गया और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है, फाइन। और ये थोड़ा सा टेक्स्ट में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं फा आई लिख देता हूँ, बिकॉज हमें यहाँ पे आई चाहिए। सॉरी, मुझे इसको रिफ्रेश करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक आई आ चुकी है, बट एक बटन हमें एक एंकर टैग और भी चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास कार्ट का भी होगा शायद, लेट्स से कि ये कार्ट का आता है कि नहीं आता है, या फिर हमें कुछ और नाम चाहिए। कार्ट का नहीं आया है, सो लेट मी चेक, बट हमने ना एक कार्ट का भी लगाया था, सो मुझे एक बार के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेट मी सर्च इट। हार्ट पे था और सो हम इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ से उठा सकते हैं, बिकॉज देखो कार्ट वगैरह वाली जो आइकन चीज़ें होती है ना, ये याद रहे हमें कोई ज़रूरी नहीं होता हर बार में, तो आप इनको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से कॉपी कर सकते हो, टाइम सेव करने के लिए अगर आपने कहीं पे यूज़ कर रखे तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड टू कार्ट, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या है, अब एक सिंपल स्ट्रेट लाइनिंग यहाँ पे आ चुकी है, बट इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, इसको फिक्स करना है अच्छे से। सो हमारे यहाँ पे क्लासेस वगैरह सब बन चुके हैं, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक एक का स्टाइल ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टाइल ऐड करने के लिए हम लोग इस कार्ट पे जाते हैं, ठीक है, एंड इसका सबसे पहले हमें बॉर्डर देना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ DDD, ठीक है, हमारे कार्ड का पूरा बॉर्डर बन गया। और थोड़ा सा ना यहाँ पे इमेज बड़ी है, सो मैं यहाँ पे करता हूँ जो इमेज है ना इसको 100% कर देता हूँ अभी के लिए, विथ 100%, ठीक है, हमारी इमेज बीच में आ गई है, अब थोड़ा सा दिख रहा है ठीक, हमें 25% हमने लगा तो दिया, बट थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए, अदरवाइज ये बिल्कुल चिपके हुए आएंगे, जैसे कि हमने स्पेस इन दोनों के बीच में भी दिया था। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन राइट 25 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डिटेल है ना इसको फिक्स करना है। सो मैं डिटेल वाले पार्ट के ऊपर आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं एक एक्चुअली बॉर्डर चाहिए, सो मैं यहाँ पे दो बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर टॉप एंड बॉटम, बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं DDD। अगेन हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, इसका बॉटम बॉर्डर भी देंगे, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल
सॉलिड एंड यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं ट्रिपल डी। ऑल राइट, तो उसके बाद में इसके अंदर हम थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं, बिकॉज इस साइड से पैडिंग नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैडिंग 15 पिक्सल, हमने इसकी पैडिंग भी दे दी है। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे H1 के ऊपर। देखो इसके ऊपर जो H6 है ना, इसके ऊपर आप देख सकते हो थोड़ी सी मार्जिन लगी हुई है, वो और वो मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही लग रही है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी मार्जिन है उसको जीरो करता हूँ। मार्जिन जीरो, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। एंड उसके बाद हम लोग इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज लेट से हम ले लेते हैं इसका 15 पिक्सल, ये ठीक रहेगा। एंड फॉन्ट वेट थोड़ा लाइट करते हैं। ये रख लेते हैं, ये ठीक रहेगा। एंड अब हम लोग ये कार्ट है जो, इसको भी थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। जो हमारा कार्ट है इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले को फिक्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों आप देख सकते हो एक लाइन के अंदर आ गए, बट एक लाइन में आने के बाद में इनके अंदर जो डिस्टेंस है वो भी ठीक होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो अब ये सेंटर के अंदर उठ के आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर पैडिंग वैडिंग है, अब हम लोग लगाते रहेंगे, बट अभी के लिए ना हम लोग इतनी सी कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगी, एक साथ कुछ ना कुछ मिस ना हो जाएगा। राइट, तो मैं यहाँ पे कार्ट पे आता हूँ और इस पूरी सीएसएस को कॉपी करके कार्ट पे लगा देता हूँ। यहाँ पे आए, यहाँ आप लिखते हैं डॉट कार्ट, और इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग कार्ट के बाद में जो इमेज है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। इसके अंदर एक ही इमेज है अभी के लिए, डॉट कार्ट इमेज, और इसकी विथ में डायरेक्टली कर देता हूँ, छोटी सी लाइन है, विथ 100%। ओके, देन हम लोग यहाँ पे कार्ड डिटेल पे आ सकते हैं, डॉट कार्ड डिटेल। एंड इसके बाद में हम जो ये हमारे पास लाइंस हैं इनको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एंड अब मैं इसका एक और कॉपी बनाता हूँ कार्ड डिटेल का। एंड इसके अंदर हमारे पास H6 टैग है। ठीक है, एक्चुअली हमें इस H6 का ना नाम दे देना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर और भी काफ़ी सारी क्लासेस भी हैं। मैं क्या करता हूँ, बिकॉज 3 4 H1 टैग हैं, इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी अलग अलग स्टाइल होगी, तो मैं इसके ऊपर एक नाम दूंगा इसका, कार्ट डिटेल, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं हेड नेम, हेड दे देता हूँ इसका मैं नाम। ठीक है, बिकॉज ये इसका नाम हो जाएगा और थोड़ा सा हेडिंग भी है, तो इसके अंदर ये हेडिंग कलेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर मैं ये करता हूँ, इसकी मार्जिन वार्जिन भी ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, ये तो हमने ऐड कर ही दी क्या? अच्छा नहीं करी, ये ऊपर वाले की थी। ओके, सो ये भी हो गया। आफ्टर दैट हमारे पास कार्ड प्राइस आ गया, एंड कार्ड प्राइस को भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट कार्ड डिटेल्स एंड डॉट कार्ड प्राइस। इसके अंदर तो क्या करते हैं, जो दो चीज़ें इनको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे कार्ट नेम हेड था, इसको हमें यहाँ पे क्लास में लगाना भी है। मैं यहाँ पे H6 के ऊपर लगा देता हूँ, क्लास कार्ट हेड नेम हेड। आई गेस सब कुछ बिगड़ेगा नहीं इसमें। ठीक है, जितना था उतना ही अभी के लिए, परफेक्ट। ओके, देन अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये करंट एंड लास्ट हैं, थोड़ा सा इनको फिक्स करना है। इनके ऊपर हम लोग स्टाइल लगाते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ सबसे पहले इनका फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज यहाँ पे देता हूँ मैं 15 पिक्सल, और मार्जिन भी है इनके ऊपर एक्चुअली, मार्जिन भी मैं इनका 0 दे देता हूँ। यहाँ पे मार्जिन की भी हमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ी पैडिंग लगा सकते हैं, बिकॉज थोड़े एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल इसकी पैडिंग लगा देता हूँ। एंड उसके बाद में कलर आप चाहो तो थोड़ा सा लाइट कर सकते हो इसका, कलर नहीं, इस कलर में लाइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद में फॉन्ट वेट दे सकते हैं हम लोग, फॉन्ट ये
ये ठीक है, बाद में कुछ चेंज करना रहा तो हम लोग कर लेंगे। सो मैं अब इसको कॉपी करता हूँ सबसे पहले, एंड यहाँ पे आके लिखता हूँ डॉट कार्ट प्राइस लिख देता हूँ मैं सीधा का सीधा, इतनी लंबी डाल के मैं देने की ज़रूरत नहीं है। H6 और H6 के ऊपर दोनों की दोनों चीज़ें लग जाएंगी। इनको हटा देते हैं, जो यहाँ पे एलिमेंट डॉट स्टाइल लग गया। सो क्या ठीक है ये? हाँ, दोनों के ऊपर सिमिलर आ गया, बट ना थोड़ा सा यहाँ पे चेंज, जो लास्ट वाला है ना, अच्छा थोड़ा सा इनके ना फॉन्ट साइज बड़ा कर देना चाहिए हमें, और मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा अगर इसमें जूम करूँगा ना तो थोड़ा सा और हो ही जाएगा। ठीक है, एक तो इसको थोड़ा सा हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है। आफ्टर दैट थोड़ा फॉन्ट साइज हम लोग चाहें तो 16 भी कर सकते हैं, और इसका भी हम लोग थोड़ा सा साइज बढ़ा सकते हैं, इसका भी हम लोग चाहें तो 16-17 कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो नेम है उसकी मैं 18 कर देता हूँ यहाँ पे, और इनके लिए मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ, फॉन्ट वेट में इनका 500 कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब जो ये लास्ट वाला प्राइस था ना, इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे कट करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट प्राइस के ऊपर यहाँ पे हमें क्रॉस दिखाना है। ठीक है, सो इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट के ऊपर आप क्रॉस लाइन किस तरीके से लगाओगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसके बाद में यहाँ पे आपको अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन आपको मिल गया, सॉरी नॉट अंडरलाइन, एक्चुअली ये लाइन थ्रू रहेगा, सॉरी रियली दैट्स माई मिस्टेक, माई बैड। और अब इसका थोड़ा सा कलर है ना, हम वो भी थोड़ा सा फीका कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ 666, तो कम हो जाएगा। यहाँ पे 8 डाल देता हूँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लास्ट क्लास तो जो थी इसकी। सो यहाँ पे लिखते हैं डॉट कार्ट प्राइस H6 डॉट लास्ट, और यहाँ पे हम लोग इसका यहाँ पे लगा देते हैं, इसको फॉर्मेट करेंगे। और यहाँ पे ना आपको दोनों जगह सेम पे सेम प्राइस दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 130 कर देता हूँ मैं, 130 से हटके उसका प्राइस कम हो गया है यहाँ पे, अब थोड़ा आई गेस ठीक लग रहा होगा ये। एंड अब उसके बाद में क्या है कि जो ये डिटेल्स हैं इनको भी हमें थोड़ा सा फिक्स करना है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे कार्ड फुट रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं फ्लेक्स बना देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। और उसके बाद में जस्टिफाइड कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन, ताकि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा इक्वल स्पेस आ जाए। ठीक है, इन दोनों के बीच इक्वल स्पेस आ गया। पैडिंग चाहो तो आप पैडिंग भी दे सकते हो, लेट से आप दे सकते हो यहाँ पे 15 पिक्सल। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे ए टैग के ऊपर, इन दोनों के ऊपर हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इनका कलर चेंज करना है, सो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, कलर मुझे याद एक्चुअली, सो बिकॉज लास्ट पार्ट में ना मैं कलर भूल गया था, मुझे ढूंढना पड़ा था, तो मैंने यहाँ पे इसको याद ही कर लिया, 1D9C and 97। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल आई गेस चलेगा। सो ये दोनों के लिए सेम ही रहेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से एक बार के लिए, यहाँ पे लिखूंगा डॉट कार्ट, एंड यहाँ पे लिखूंगा डॉट कार्ट फुटर। सिमिलरली यहाँ पे कार्ट फुटर के बाद में हमारे पास एक टैग रहेंगे डॉट ए टैग, और यहाँ पे हमें जो इसका कलर एंड साइज था वो कॉपी करना है बस। एंड लेट्स सी कि क्या दिखता है, एक बार के लिए इसको फॉर्मेट कर देते हैं, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। या अब थोड़ा सा हमें ये ठीक दिख रहा है। अब एक चीज और कर सकते हैं, जो हमारा कार्ड था ना इसका थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे। आई गेस मैंने कुछ गलत जगह मार्जिन दे दिया, यस मैंने मार्जिन गलत जगह दे दिया है, मुझे एक्चुअली
काट भी देना था। यस, अब आपको थोड़ा सा नीचे स्पेस दिख रहा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि कुछ कॉपीज बना सकते हैं। जो हमारे पास एक कार्ट है, मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ। इसको फॉर्मेट करते हैं सबसे पहले। और हमें ये कार्ड 25 तक लेके जाना है। 1, 2, 3 एंड 4। अब देखते हैं हमें कैसा दिख रहा है। हाँ भाई, ठीक दिख रहा है। तो थोड़ा सा जो टेक्स्ट वगैरह, अगर वो आप चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये भी कर लेते हैं। सेकंड प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट था, ये सेकंड प्रोडक्ट आ गया। सबके अंदर सेम ही टेक्स्ट है क्या? अच्छा, सबके अंदर सेम ही टेक्स्ट है, प्राइस भी सेम ही है। इमेज अलग कर देते हैं एटलीस्ट हम लोग ना। इमेज ना मुझे उठानी पड़ेंगी एक्चुअली, जो ये टेम्प वाला प्रोजेक्ट है। मैं कुछ इमेजेस उठा लेता हूँ यहाँ से। प्रोडक्ट 1 तो है हमारे पास, 2, 3 एंड 4 ये उठा लेते हैं। एंड नाउ वी कैन कॉपी टू द आवर प्रोजेक्ट। और प्रोडक्ट 1, काफी ऊपर तक चला गया। प्रोडक्ट 1 हो गया ये वाला। नाउ प्रोडक्ट 2, देन वी कैन गो विद प्रोडक्ट 3, एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट 4। नाउ देखते हैं कैसा सा दिखता है ये। तो ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह भी ठीक दिख रहे हैं। नाम यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आएगा। इस मुझे नहीं लगता आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। इसके अंदर इसके एक्चुअली हेडिंग रह गई थी, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। इसके लिए मैं छोटी सी अलग से वीडियो बना दूंगा। बिकॉज मुझे लग रहा था कि कार्ड थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है, तो इसको पहले बना देना चाहिए। इसको हम लोग छोटी सी वीडियो बना के कभी बना लेंगे। मेरा भी वीडियो बनाने का मन था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी लंबी वीडियो बना दी। और उसके बाद में हमारा क्या रहता है कि ये तो देखो कॉमन चीज़ है, यहाँ पे उन्होंने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बना दिया और बाद में यहाँ पे जस्ट ट्रैवल के लिए भी सेम ही प्रोडक्ट लगा दिए। एक हम लोग स्टे अपडेटेड वाला पार्ट बनाएंगे, उसके बाद में हम हमारा फूटर और जो हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं इनकी हम लोग लिस्टिंग बना देंगे। ये प्रोडक्ट, ये एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं, ये ब्रांड्स हैं जो एक्चुअली इसको यूज़ करते होंगे, या फिर इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है। बट ठीक है, हम लोग भी ऐसी एक लिस्ट बना देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर रिव्यूज़ इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम।